अब हम एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखें कि 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रही है सेक एक्स से। ठीक है, तो 10 और सेक आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारी क्या कोशिश होती है, या तो हम सेक स्क्वायर एक्स बना दें जो कि 10x का डिफ्रेंसिएशन है, अगर वो नहीं बना सकते तो सेक एक्स 10x बना दें जो कि सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन है। तो यहाँ हम सेक स्क्वायर एक्स तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, सेक एक्स और 10x बना देते हैं। इस 10³x में से एक 10x हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, लिमिट 0 टू पाए 10³x sec x dx। ठीक है, ये इस तरह के कई क्वेश्चंस जो है वो हम 6.3 में सॉल्व कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, लिमिट 0 टू पाई 10² x, और इसमें से एक 10x हम कहाँ लिख देंगे, sec x, और यहाँ लिख देते हैं 10x। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अगर हमने sec x का डिफरेंशिएशन बनाया है ये sec x 10x, तो बाकी तमाम चीज़ें क्या होनी चाहिए, sec स्क्वायर होनी चाहिए। तो 10 को हम sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइडेंटिटी है हमारे पास। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी भी लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जो ये वाली 10² x को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x -1, और ये दो जो हैं वो डिफरेंशिएशन है। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x 10x। तो हमने sec x का डिफरेंशिएशन बनाया है, तो हम sec x को एज अ सब्स्टिट्यूशन लेंगे आगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है, इस 10 को sec में कन्वर्ट करना है। जो भी चीज़ें साथ में मौजूद हैं, अगर sec x का डिफरेंशिएशन है ये, तो बाकी सब कुछ sec x होना चाहिए। ठीक है, तो हम sec स्क्वायर x -1 लिखेंगे यहाँ पे 10² x को। ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाए, 10² x की जगह हम लिखते हैं sec स्क्वायर x -1। ठीक है जी, ये हो जाएगा sec x 10x dx। ओके, अब हम जो है दोनों से डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से। ये हो जाएगा 0 टू पाई, पहली टर्म हो जाएगी sec स्क्वायर x, और साथ में हम sec x 10x को इसी तरह लिख रहे हैं। अच्छा, हम एक काम करते हैं, बल्कि यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन के लिए वेरिएबल ले लेते हैं। उसमें क्या होगा कि डायरेक्टली ये sec x 10x जो है वो कट जाएगा अपने डिफरेंशिएशन से। तो हम यहाँ कर क्या करते हैं, लेट करते हैं y बराबर है sec x के, ये इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर a का नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा dy by dx बराबर होगा sec x 10x के। ठीक है जी, ये हो जाएगा डी एक्स बराबर आ जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाय सेक एक्स 10x, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेशन ए में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, हमें क्या करना होगा, लिमिट भी निकालनी होगी। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, इस पर लिमिट भी निकाल लेते हैं। वैन ठीक है, लिमिट क्या है, x1 इनिशियल लिमिट 0 है। ठीक है, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू sec x है, तो y इज इक्वल टू sec 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो sec 0 क्या होता है, y बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं आपके कैलकुलेटर में sec cosec और cot का कोई वो नहीं होता, तो क्या हम कैसे निकालेंगे ये वैल्यूज, हम ऐसे निकालेंगे कि sec x बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस 0 के बराबर होगा। ठीक है, कॉस 0 पे क्या होता है, 1 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह आपने जो भी कोसेक की वैल्यू निकालनी है, सेक की वैल्यू निकालनी है, कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना होगा, कोसेक के लिए आप साइन की वैल्यू निकालेंगे उस एंगल पे, और उसको 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा, तो x1 पे y1 क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, वैन x2 फाइनल लिमिट क्या है, पाई है। ओके, तो ये भी हम सेम इसी तरह निकालेंगे कि क्या होगा, सेक पाई होगा, हमें नहीं पता सेक पाई क्या होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस पाई निकालेंगे। ठीक है, कॉस 180 डिग्री पे क्या होता है, -1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -1, ये हो जाएगा -1। ठीक है जी, अब हम इक्वेशन 1, 2 की वैल्यूज और
दोनों लिमिट्स की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। जब एक्स वन जीरो था तो वाई वन वन है, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, वाई टू क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, इसको चाहे तो हम वाई टू कहते हैं। ओके, तो बाकी क्या था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन था, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर इक्वेशन वन के हिसाब से वाई बराबर है सेक एक्स के, तो सेक का स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वन ऐसे ही आ गया, सेक एक्स टेन एक्स हम इसी तरह लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस डी एक्स की जगह पर, जो कि इक्वेशन टू के हिसाब से बराबर है डी वाई डिवाइडेड बाई सेक एक्स टेन एक्स, तो ये आपस में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सिज हैं, कट जाएंगे, सेक एक्स से सेक एक्स कटेगा, टेन एक्स से टेन एक्स कटेगा, ठीक है, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी वन, ठीक है, इसकी जगह वन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वाई स्क्वायर को के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटीग्रल ऑपरेटर को, और वन के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा वन माइनस वन वाई स्क्वायर डी वाई, यहाँ आ जाएगा माइनस डी वाई, वन से माइनस वन तक लिमिट आ जाएगी, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देते हैं, ओके, वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, वन थर्ड पावर वन ऐड होगी और इसी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लिमिट अभी अप्लाई नहीं की है, तो ये आ जाएगा वन माइनस वन, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा वाई, वन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई होगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, वन थर्ड इसी तरह रहेगा, ठीक है, फाई क्यूब है, तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, ठीक है जी, अब ये माइनस आएगा सेकंड टर्म का, और फाइनल लिमिट यहाँ पे क्यूब है, क्योंकि पहली टर्म में क्यूब है वाई पे, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल जिस तरह मौजूद है सिर्फ वेरिएबल की जगह खाली छोड़ेंगे, और सेकेंड टर्म में सिर्फ वाई है, तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, ठीक है जी। फाइनल लिमिट कौन सी होती है, ऊपर वाली होती है, तो माइनस वन ये फाइनल लिमिट है, ये पहली टर्म की है, और इनिशियल लिमिट क्या है, प्लस वन है, ठीक है, ये पहली टर्म की फाइनल लिमिट, और ये फाइनल इनिशियल लिमिट, और ये दूसरी टर्म की फाइनल लिमिट, और ये इनिशियल लिमिट, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा वन थर्ड, ठीक है, माइनस वन का क्यूब है, तो इसमें जो है क्या होगा, दो हमने लास्ट के क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके हुए हैं, ठीक है, एक जो इसका आंसर होगा वो रियल रूट होगा इसका, ठीक है, वो क्या होगा, माइनस वन होगा, माइनस वन का क्यूब माइनस वन होगा, और ये माइनस वन प्लस वन का क्यूब प्लस वन होगा, और ये माइनस वन आ जाएगा। अच्छा, इसका एक रियल होगा माइनस वन, और बाकी दो इमेजिनरी होंगे, तो हमने रियल वाला पार्ट लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, इसी तरह यहाँ माइनस वन आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस टू थर्ड, ये हो जाएगा माइनस टू, ये प्लस का टू हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों मिला के माइनस का टू होगा, और माइनस माइनस प्लस का टू हो जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स माइनस टू फोर थर्ड, ठीक है जी, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है, और ये डेसिमल में आंसर आ जाएगा 1.333, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 3 बराबर आ जाएगा 1.333। इसको हम चेक कर लेते हैं कि एरिया अंडर द कर्व 1.333 अप्रॉक्सीमेट आना चाहिए, किसका, टेन क्यूब एक्स और सेक एक्स का बिटवीन 0 टू पाई लिमिट, और वरना कौन सा दूसरा हम देखेंगे, जो हमने इंटीग्रल से पहले जो हमने फंक्शन बनाया है एज अ सब्स्टिट्यूशन वाई स्क्वायर माइनस वन का बिटवीन वन टू माइनस वन लिमिट। ये जो ग्रीन कलर का फंक्शन है, ये हमारे क्वेश्चन का फंक्शन है टेन क्यूब एक्स सेक एक्स, ठीक है, इसको जो हमने इंटीग्रेट करना है किस लिमिट में करना है, जीरो टू पाई, ठीक है, तो जीरो यहाँ होता है, पाई क्या होता है 3.1416, तकरीबन 3 के पास होगा, ठीक है, और ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वन, जो कि हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला फंक्शन था इंटीग्रेशन से पहले, ठीक है। अच्छा देखें, अगर हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन वाले फंक्शन पर गौर करें तो यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन देखें 0 टू पाई के दरमियान ये फंक्शन इन्फिनिटी पे जा रहा है, यानी फंक्शन क्या है, डाइवर्जेंट है, इस लिमिट के अंदर डाइवर्ज हो रहा है फंक्शन, तो अगर ये फंक्शन डाइवर्जेंट है तो हम यहाँ से यहाँ तक का भी एरिया लेंगे, अगर 1.5 तक का भी लेंगे, 1.57 पाई बाई 2 तक, तो ये
इन्फिनिटी हो जाएगा, जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो कहाँ चले जाएगा, इन्फिनिटी पे चले जाएगा। ठीक है, तो ये 1.33 क्यों आ रहा है फिर आंसर? देखिए ये आंसर गलत है। अगर हम इसको ऐसा एरिया अंडर द कर्व लेंगे तो ये आंसर ठीक नहीं है। एरिया अंडर द कर्व लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आप आने वाली क्लासेस में जो है बीएससी में आप करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल का यूज, ठीक है, आई थिंक बीएससी पार्ट टू में। तो वहां आप देखेंगे कि जब भी फंक्शन डाइवर्जेंट होता है तो आपको उसको पीसेज में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, पहले आप 0 टू पाई बाय 2 तक उसको करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट, फिर आप क्या करेंगे पाई बाय 2 से आप पाई तक इंटीग्रेट करेंगे उसको। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक का एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 का इन्फिनिटी। तो असल एरिया अंडर द कर्व क्या है, इसका इन्फिनिटी है। हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते जिस तरह हमने क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो ये एरिया अंडर द कर्व नहीं है 1.333 इस फंक्शन का। इस फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व क्या है, इन्फिनिटी ही है। ये सिर्फ हमने क्या है, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए किया है, जो हमारा बुक का आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है इस हिसाब से। अदरवाइज अगर हम एरिया अंडर द कर्व देखेंगे इस हिसाब से तो वो इन्फिनिटी ही होगा, 1.33 नहीं होगा या 4/3 नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो आप वैसे तो जैसे मर्जी डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं 6.3 में, जहां साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर था। ठीक है, तो हम इसको क्या बनाना चाहते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ताकि हम साइन 2x बना सकें। हम ये आइडेंटिटी साइन 2x जो कि बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये आइडेंटिटी हम बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो पहले 2x को क्या कर लें, एज अ सब्स्टिट्यूशन ले लें, या डायरेक्टली आप सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको एज अ सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, लेट करते हैं एक वेरिएबल y जो कि बराबर है 2x के, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, देन डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 2 के, डी एक्स सेपरेट कर लेंगे, डी एक्स बराबर आ जाएगा dy डिवाइडेड बाई 2 के, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। दोनों वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में, तो इक्वेशन ए आ जाएगी। अच्छा, अगर हमने ऐसा किया है तो क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो हमें लाजमी क्या चाहिए, इसके लिमिट्स भी हमें इसी के हिसाब से चाहिए। तो हम एंड टू एंड लिमिट भी कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी, व्हेन एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, तो वाई क्या है, 2x है। ठीक है, तो वाई वन आ जाएगा 2 टाइम्स x1, ठीक है, x1 क्या है 0, तो y1 भी 0 आ जाएगा। सेकंड लिमिट कंप्यूट करते हैं, ठीक है, व्हेन x2 इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है, तो y2 आ जाएगा 2 टाइम्स x2 होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 2 आंसर 2, 2 टू द 4, तो y2 सेकंड लिमिट आ जाएगी पाई बाय। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर ए में सब्सटीट्यूट कर देते हैं इन चारों वैल्यूज को, लिमिट्स को और इक्वेशन वन और टू की वैल्यू को। तो इक्वेशन ए 0 टू पाई बाय 4 साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x dx बराबर आ जाएगा, 0 की जगह 0 रहेगा, इसकी जगह पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। इक्वेशन 1 के हिसाब से 2x बराबर है वाई के, साइन स्क्वायर 2x था तो साइन स्क्वायर वाई हो गया। इसी तरह से कॉस स्क्वायर वाई आ जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर 2x वाई के बराबर है, dx की जगह सब्सटीट्यूशन करेंगे तो dy डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से। ठीक है, तो इन तीनों की जगह हमें सब्सटीट्यूशन कर दी और लिमिट की जगह सब्सटीट्यूशन कर दिया। ठीक है जी, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमें क्या नजर आ रहा है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों में से स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे 2 और 7 में मल्टीप्लाई हो जाए तो ये साइन 2y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 साइन y कॉस y बराबर होगा साइन 2y के। ये आइडेंटिटी हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, हम सॉल्व भी कर चुके हैं ये आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी वाली प्लेलिस्ट में, जहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव की हैं।
तो उसके लिए क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ अंदर 4 जाएगा तो ही स्क्वायर बनेगा, यानी 2 का स्क्वायर, तो हम उसमें से भी स्क्वायर बाहर ले सकते हैं। तो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा फाइव बाई 2, ठीक है। 4 अंदर चले जाएगा 2 बन के क्योंकि बाहर स्क्वायर लिखने वाले हैं हम, कॉस वाई स्क्वायर यानी 2 पे स्क्वायर था तो यहाँ से भी स्क्वायर बाहर आ गया और ये एक ही ब्रैकेट के अंदर आ गया, ठीक है। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, 0 टू पाई बाय 2, 2 साइन वाई कॉस वाई, ये हो जाएगा साइन 2 वाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2 साइन वाई कॉस वाई बराबर आ गया साइन 2 वाई के, और ये हो जाएगा डी वाई, ठीक है। तो साइन 2 वाई है हम इस, अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स मिल जाए तो 1 माइनस कॉस 2 एक्स डिवाइडेड बाई 2, आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर एंगल को 2y मान के डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप दोबारा से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए वंस अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट भी सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, तो आप चाहे तो सब्सटीट्यूट करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस स्क्वायर को अंदर भेजें तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2y, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 पहले से मौजूद है तो 2x और डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लें या तो हम चाहते हैं हम चाहें तो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, z बराबर है 2y के, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर b का नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा dz डिवाइडेड बाय dy बराबर आ जाएगा 2 के, ठीक है जी, dy बराबर आ जाएगा dz डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 3 होगी, ठीक है। दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर b में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और साथ में हमें लिमिट भी चाहिए होगी, ठीक है। लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, y1 when y1 बराबर है 0 के इनिशियल लिमिट, ठीक है, इसको y1 कह रहे हैं, इसको y2 कहेंगे, तो z1 क्या आ जाएगा, z1 बराबर है 2 टाइम्स y1, तो z1 आ जाएगा 2 टाइम्स 0, ठीक है, z1 बराबर आ जाएगा 0, ये इनिशियल लिमिट आ जाएगी, जब y1 जीरो था तो z1 भी जीरो आएगा, और फाइनल लिमिट भी निकाल लेते हैं व्हेन y2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो z2 बराबर है 2 टाइम्स y1 या y2, अब y2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो z2 आ जाएगा पाई। ओके अब हम क्या करते हैं फर्दर, इसको इन दोनों वैल्यूज को, इन दोनों लिमिट को हम इक्वेशन बी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/8, ठीक है, जीरो की जगह जीरो रहेगा, पाई बाई 2 बराबर है किसके, पाई बाई 2 बराबर है पाई के, ये हो जाएगा साइन जेड का स्क्वायर, ठीक है, डी जेड की जगह क्या आ जाएगा, डी वाई की जगह आ जाएगा डी जेड डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन नंबर 4 से, ठीक है जी। इसमें से क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 8 16, 0 टू पाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर जेड डी जेड, ठीक है। साइन स्क्वायर जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 जेड डिवाइडेड बाई 2, यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि साइन स्क्वायर को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2z divided by 2dz, ठीक है, ये 2 हम इसके नीचे अलग लिख देते हैं और cos 2z के नीचे अलग लिख देते हैं, ठीक है, पार्शियल डीकम्पोज कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/16, 0 टू पाई 1/2 माइनस cos 2z divided by 2dz। अब हम इंटीग्रल ऑपरेटर को और इस कॉन्स्टेंट को आप दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी, ये पहले टर्म के साथ आ जाएगा 1/16, 2 पहले से मौजूद है तो 16 टू सा 32 हो जाएगा, 0 टू पाई डी जेड, ये हो जाएगा, यहाँ भी 2 नीचे मौजूद है तो ये 132 हो जाएगा, ठीक है,
लेकिन हमें साथ में क्या चाहिए, एंगल का भी हमें डिफरेंशिएशन बाहर चाहिए, तो टू टू हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 2 32 पहले ही है, ये हो जाएगा 64, ठीक है। यहाँ टू से हमने मल्टीप्लाई किया, जो टू से डिवाइड किया था वो 64 बना दिया उसने 32 को, और ये हो जाएगा कॉस 2z dz, ठीक है जी। अब हम इसको भी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको भी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 32, dz का क्या होगा, z 0 to π, लिमिट हमने अभी अप्लाई नहीं की है, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। कॉस का क्या होगा, इंटीग्रल साइन होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2z, यहाँ भी लिमिट आ जाएगी 0 to π, ठीक है। इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट नहीं आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी, ये हो जाएगा 132, ये फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, ये माइनस 164 सेकेंड टर्म, ठीक है। साइन 2 z की जगह फाइनल लिमिट माइनस साइन 2, यहाँ z की जगह इनिशियल लिमिट, ठीक है जी। फाइनल लिमिट क्या, ऊपर वाली फाइनल लिमिट होती है, ये आ गई पाई, यहाँ भी आ गई पाई फाइनल लिमिट, और इनिशियल लिमिट क्या है, दोनों के लिए 0, ओके। ये हो जाएगा पाई बाई 32, पाई माइनस 0 पाई रहेगा और पाई से 32 डिवाइड होगा, तो पाई बाई 32 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। साइन 2 पाई पे 0 होता है, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा, 2 0 0, साइन 0 पे 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ रह जाएगा पाई बाई 32, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पाई बाई 32, ठीक है जी। पाई बाई 32 हम निकाल लेते हैं, ठीक है, 0.09817, तो ये आंसर आ जाएगा 0.09817, ठीक है। वैसे तो हमारा बुक के हिसाब से आंसर आ गया, लेकिन हम क्या करना है, हमें एरिया अंडर द कर्व देखना है। अगर ये फंक्शन बाउंडेड है, डाइवर्जेंट नहीं है, तो वैसे साइन और कॉस दोनों बाउंडेड फंक्शन है और इनका स्क्वायर भी बाउंडेड ही होगा, ठीक है। तो दोनों फंक्शन बाउंडेड है और इनका मल्टीपल भी बाउंडेड होगा, तो इसका एरिया अंडर द कर्व हम चेक करते हैं इस फंक्शन का बिटवीन दिस लिमिट और इंटीग्रेट करने से पहले जो हमने फंक्शन बनाया था सब्स्टिट्यूशन पे, उसका हम चेक करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का हम चेक करते हैं बिटवीन दिस लिमिट, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का फंक्शन है, ये साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x का फंक्शन है, ठीक है। ये हमें नजर आ रहा है, जो हमारे क्वेश्चन दिया गया था ये उसका फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन देखें पॉजिटिव में ही है, ये फंक्शन fx नेगेटिव में नहीं है, क्योंकि ये इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। जो साइन स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसने उसको भी पॉजिटिव कर दिया, और जो कॉस स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू ने नेगेटिव करना था, इसने उसको भी पॉजिटिव कर दिया, इसलिए ओवरऑल फंक्शन हमारा क्या है, पॉजिटिव नहीं है। अच्छा जी, जो हमने एरिया अंडर द कर्व मालूम किया वो क्या आना चाहिए था, बिटवीन लिमिट 0 to π/4 वो आना चाहिए था 0.09817, तो वही आ रहा है बिटवीन 0 to π/4 0.09817, ठीक है। यही एरिया अंडर द कर्व आ रहा है। ये कौन सा फंक्शन है, रेड कलर का फंक्शन, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 32, और इसको इस तरह समझ लें 1 cos 2x, ठीक है। ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन का जो एरिया अंडर द कर्व है, अच्छा लिमिट देख ले पहले, लिमिट क्या होनी चाहिए इसकी, इसकी लिमिट 0 to π के दरमियान, हमें 3.146 के दरमियान मालूम करना है। अच्छा, ये स्केल के हिसाब से आपको फंक्शन बहुत छोटा नजर आ रहा है, तो हम इसका स्केल अप कर लेते हैं, ठीक है जी। ये फंक्शन देखें, तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका एरिया अंडर कर्व भी 0 to π जो है वो 3.146 के आ रहा है, 0.09817, 0.09817,
ठीक है, तो दोनों का एरिया अंडर द कर्व जो है वो सेम आ रहा है और दोनों क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, इन्फिनिटी पे नहीं जा रहे हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में था वो अनबाउंडेड फंक्शन था, डाइवर्जेंट था, ठीक है, इसलिए उसका एरिया अंडर द कर्व इन्फिनिटी होना चाहिए था, लेकिन इस केस में फाइनाइट है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, यानी एक नंबर आ रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.4 का एंड होता है। अब हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो भी सब्स्टिट्यूशन है लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के हवाले से उसमें क्वेश्चन है, तो उसको हम अब जो है वो सॉल्व करेंगे आने वाली एक्सरसाइज में।